The story of human evolution, the precursors of modern human beings. So we'll be talking about, or we'll be learning about, the story of humans, how they evolved. So look at these four skulls. So here are these four skulls. Basically, we really need to differentiate between them. A belongs to an ape, B belongs to a species known as Australopithecus, then C belongs to a species known as Homo erectus, and D belongs to the species known as Homo sapiens, which basically means who are thinking wise and like they are intelligent, like we are Homo sapiens. And so upright today's man is, can be called as Homo sapiens, so to which all present day human beings belong. सो ये चारों कैटेगरीज दी गई है. इसमें नाम आपको बोला जाएगा टू लिस्ट सम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस जो आप केयरफुली नोटिस कर सकते हैं बाय फॉर केसिंग और फॉर सीइंग देयर जॉज टीथ ब्रेन्स एक्सेट्रा. सो द टू विच ऑल प्रेजेंट ह्यूमंस बीइंग बिलोंग लिस्ट एज मेनी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दैट यू नोटिस लुकिंग केयरफुली एट द ब्रेन case, jaws and teeth. So yeah, this is an activity for you. The differences that you notice in the skull shown in the illustration are some of the changes that came about as a result of human evolution. So now these changes which you're forecasting, like you can see the A has little sharp teeth, then the B one has some flattened, then C is quietly arranged properly, and then D are super properly arranged. So all these differences are जो time के साथ evolution होता गया है पहले से लेकर अभी तक उनको दर्शाता है. The story of human evolution is enormously long and somewhat complicated. जो story है human evolution की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. देर आर ऑल्सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड न्यू डेटा ऑफन लेड टू द रिविजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर अंडरस्टैंडिंग. कई ऐसे सवाल हैं जिनको हम आज भी आंसर नहीं कर पाए हैं, या जब भी हम किसी न्यू डाटा को रिवाइज करते हैं तो हम किसी न्यू चीज़ को फाइंड करते हैं तो वी ऑलवेज गेट इन टू स्टक and stucking position, और फिर हमको वापस से पुराने डेटास को रिविजन करना पड़ता है और फिर उनमें मॉडिफिकेशन लाने पड़ते हैं, एंड देन ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली द सिनेरियो इज़. सो दिस इज़ ऑल यू नो द फैक्ट दैट स्टिल देर आर मैनी आंसर्स. बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको हम आज भी आंसर नहीं कर पाए हैं, जिनका आज भी हम जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं. लेट अस लुक एट सम ऑफ द डेवलपमेंट्स एंड देयर implications more closely. और उसी तरह के कुछ developments और implications को हम बहुत closely देखते हैं. It is possible to trace these development back to between 36 and 24 MYA. और ये जो traces हैं, ये जो development है, ये हमको कुछ लगभग 36 से 24 MYA के बीच में possibly ट्रेस होते हैं या वहाँ से हम लिए गए हैं. वी समटाइम्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसेप्चुलाइज सच लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, एंड इट्स रियली हार्ड. बहुत मुश्किल होता है इतने लंबे समय को कंसेप्चुलाइज करना, उसके स्पैन टाइम को डिटेक्ट करना. इफ़ यू कंसिडर अ पेज ऑफ योर बुक टू रिप्रेजेंट 10,000 years in itself, a vast span of time, 10 pages would represent 1 lakh years and 100 pages would be equal to 10 lakh or 1 million years. So basically, to make you understand, to make you know that how much span of time it is, आपको समझाने के लिए उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर हम किसी पेज को कंसिडर करें बुक के, तो अगर उस बुक के 10,000 ईयर्स की बारे में हम बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करा जाएगा 10 पेजेस में. अगर हम 100 पेजेस की बात करा जाए तो
उसमें करीबन 1 लाख साल की बातों या 1 लाख साल की चीज़ों के बारे में लिखा गया होगा। और वैसे ही अगर हम 36 मिलियन ईयर्स पुरानी चीज़ की बात करें तो उसके लिए हमको एक 36,000 पेजेस लॉन्ग की बुक चाहिए होगी, तब जाकर हमको पता पड़ेगा कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन दैट 36 मिलियन ईयर्स अगो। सो दिस इज़ हाउ दे हैव ट्रेस्ड दी थिंग्स इन अ बुक और इन अ लॉट ऑफ स्पैन ऑफ टाइम। दैट व्हाट व्हेन प्रिमिटिव्स अ कैटेगरी ऑफ मैमल्स इमर्ज्ड इन एशिया एंड अफ्रीका, ये तब की बात है जब प्रिमिटिव्स एक कैटेगरी जो थी वो इमर्ज हुई थी एशिया और अफ्रीका में। सब्सिक्वेंटली बाय अबाउट 24 MYA के करीब देयर इमर्ज्ड अ सब ग्रुप अमंगस्ट प्रिमिटिव्स कॉल्ड एज होमिनॉइड्स, और उनमें एक बहुत पॉपुलर सब ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था होमिनॉइड्स। दिस इंक्लूड्स एप, और वो बेसिकली एप के फॉर्मेशन में या एप हुआ करते थे। एंड मच लेटर अबाउट 5.6 MYA वी फाइंड एविडेंस ऑफ द फर्स्ट होमिनॉइड्स, और लगभग 5.6 MYA के बाद या इतने समय के बाद हमको कुछ एविडेंसेस मिले जब हमें फर्स्ट होमिनॉइड्स मिले। While hominoids have evolved from hominoids and share certain common features, जो hominids हैं वो hominoids से basically evolve हुए हैं और उनमें कुछ common features हैं, कुछ differences भी हैं। अगर similarities हैं उनमें तो कुछ उनमें dissimilarities भी हैं। Hominoids have a smaller brain than hominids, जो होमिनॉइड्स हुआ करते थे उनका ब्रेन स्मॉल था एज़ कम्पेयर टू होमिनिड्स से। दे आर क्वाड्रिपेड वॉकिंग ऑल फोर्स बट विद अ फ्लेक्सिबल फोर लिम, वो बेसिकली ऐसे जैसे यू नो चारों पैर से चलते हैं एनिमल्स, उस तरह से दे यूज टू वॉक यूजिंग बोथ देयर हैंड्स एंड लिम्स। होमिनिड्स बाय कॉन्ट्रास्ट हैव एन अपराइट पोस्चर एंड bipedal locomotion, walking on 2 feet, and they were the subgroups जो दो पैरों पर walk कर सकते थे। They basically never walked using both of their hands and feet. There are also marked differences in the hands which enable the making use of tools, or that's the reason they have a common difference, they have a major difference in their hands which help them to make tools, or jo difference unke hand ki stability strong hone ki wajah se wo tools bana pate the and cheeze bana pate the. We will examine the kind of tools made their significance more closely later. और उन्होंने जिस टाइप के टूल्स बनाए थे तो उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। टू लाइन्स ऑफ एविडेंस सजेस्ट एन अफ्रीकन ओरिजिन ऑफ होमिनॉइड्स, दो बहुत बड़े एविडेंस हैं जो हमको ये चीज़ पे यकीन करने के लिए बोलते हैं कि अफ्रीकन में सबसे पहले होमिनॉइड्स आए थे या इवॉल्व हुए थे। फर्स्ट इज़ द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स दैट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड्स, पहले जो अफ्रीकन एप्स जो थे वो बहुत ही सिमिलर और बहुत ही क्लोज थे होमिनिड्स के। और सेकंड रीज़न ये है, द सेकंड वन इज़ द अर्लीस्ट होमिनिड्स फॉसिल विच बिलोंग्स टू द जीनस ऑस्ट्रालोपिथेसिस हैव बीन फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका एंड डेट बैक टू अबाउट 5.6 MYA, और जो पहला फॉसिल पाया गया था वो भी अफ्रीका साउथ ईस्ट अफ्रीका में पाया गया था, और वो भी लगभग उसी अराउंड था जब हिस्ट्री में होमिनॉइड्स का जिक्र हुआ था। इन कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फाउंड आउटसाइड अफ्रीका आर नो ओल्डर देन 1.8 मिलियन ईयर्स, और जो अफ्रीका के बाहर पाए गए हैं वो नो डाउटेडली 1.8 मिलियन ईयर्स पहले के हैं, विच इज़ वे टू डिफरेंट। सो दिस टू रीजंस प्रूव्स दैट द होमिनॉइड्स वर फर्स्ट इवॉल्व्ड इन अफ्रीका।